इंडियन नेवी का P-8I सबमरीन हंटर एयरक्राफ्ट करंटली USA में रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो कि एक लार्जेस्ट मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है जिसमें 29 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। 27 जून को यह रिमपैक एक्सरसाइज शुरू हुई थी और 1 अगस्त तक चलने वाली है। USA के बाद इंडिया P-8 सबमरीन हंटर एयरक्राफ्ट का लार्जेस्ट ऑपरेटर है, बट फिर भी इंडिया P-8 सोनोबॉय डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट, जो कि US, UK और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, उसमें इंक्लूडेड नहीं है। इसे ट्रस्ट इशू बताते हुए इंडियन नेवी ऑफिशियल्स का कहना है कि US और इंडियन नेवी के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी अभी बहुत दूर है और कम से कम इस गैप को दूर करने में अभी 1 दशक का समय लग सकता है। इंडियन नेवी के पास करंटली ये बोइंग मेड 12 P-8 पोसाइडन एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल हैं, जिनको इंडियन ओशन रीजन में एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सर्फेस वॉरफेयर, इंटेलिजेंस, मैरिटाइम पेट्रोल, सर्वेलेंस और रिकॉनिसेंस मिशंस के लिए यूज़ किया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट ने 2009 में 8 P-8I मैरिटाइम रिकॉनिसेंस एयरक्राफ्ट की सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसमें 4 एडिशनल एयरक्राफ्ट की ऑप्शन भी इंक्लूडेड थी। और इस कॉन्ट्रैक्ट से बोइंग के इन मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट का इंडिया पहला एक्सपोर्ट कस्टमर बना था। इंडियन नेवी को पहला P-8I दिसंबर 2012 में डिलीवर हुआ और बाकी के एयरक्राफ्ट की डिलीवरी 2013 से 2015 के बीच में हुई। इसके बाद 2016 में CCS कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी द्वारा 4 एडिशनल P-8Is की एक्विजिशन की अप्रूवल दी गई और लास्ट 12th एयरक्राफ्ट इंडिया को फरवरी 2022 में डिलीवर किया गया। नवंबर 2019 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इंडियन नेवी के लिए कुछ और एडिशनल P-8Is की एक्विजिशन को अप्रूव किया, जिसमें एग्जैक्ट नंबर्स क्लियर नहीं थे, बट 2021 में USA के स्टेट डिपार्टमेंट ने फॉरेन मिलिट्री सेल के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 6 P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट्स की सेल की अप्रूवल दी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, UK और नॉर्वे भी इन P-8 एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेट कर रहे हैं और साथ ही रॉयल न्यूजीलैंड एयरफोर्स, रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी और जर्मन नेवी द्वारा भी इन एयरक्राफ्ट्स को सिलेक्ट किया गया है। जैसे हमने बात की कि करंटली USA में रिमपैक मल्टीनेशनल मैरिटाइम एक्सरसाइज चल रही है और लास्ट वीक रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स का क्रू, जो P-8A पोसाइडन मैरिटाइम पेट्रोल और एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने US नेवी की न्यूक्लियर सबमरीन को ट्रैक करने और उस पर ट्रेनिंग टॉर्पीडोज गिराने के एक्सपीरियंसेस शेयर किए, बट इस पर फॉर्मर इंडियन नेवी चीफ एडमिरल करमवीर सिंह का कहना है कि इंडिया और US इंटर ऑपरेबिलिटी अचीव करने से अभी बहुत दूर हैं। न्यू दिल्ली में हुई रीसेंट डिफेंस न्यूज़ कॉन्क्लेव में उन्होंने दोनों कंट्रीज़ के बीच में चल रहे कुछ इशूज़ को रेज किया और ऑस्ट्रेलिया, UK और US के ट्राइलेटरल पैक्ट ऑकस को पॉइंट आउट किया और कहा कि ऑकस पैक्ट की वजह से इंडिया को P-8 सोनोबॉयज की डेटा शेयरिंग से बाहर रखा गया। US, UK और ऑस्ट्रेलिया के बीच P-8 के डेटा शेयरिंग का ट्राइलेटरल एग्रीमेंट है, बट इंडिया उसका पार्ट नहीं है। US 120 P-8s ऑपरेट करता है, UK 9 और ऑस्ट्रेलिया 12। P-8 का जो एक की कंपोनेंट है वो है इसके सोनोबॉयज, जिनको एयरक्राफ्ट से ड्रॉप करके सबमरीन्स को हंट करने के लिए यूज़ किया जाता है और डेटा शेयरिंग एल्गोरिदम के जरिए तीनों कंट्रीज एक दूसरे के सोनोबॉयज से डेटा को एक्सेस और प्रोसेस कर सकती हैं। देखा जाए तो सोनोबॉयज की इन्फॉर्मेशन बहुत सेंसिटिव होती है और इवन 5 पार्टनर कंट्रीज भी इसको शेयर नहीं करती। ये डेटा एक मैप की तरह काम करता है, जिसमें क्लियरली देखा जा सकता है कि कौन सी कंट्री कहाँ पर और क्या चीज़ ट्रैक कर रही है। सो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑकर्स कंट्रीज में हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट को शो करता है। पैसिफिक रीजन में चाइना की बढ़ती सबमरीन फ्लीट के बाद उनकी सबमरीन्स को ट्रैक करने के लिए ऑकस कंट्रीज ने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना शुरू किया और ये AI एल्गोरिदम तीनों देशों के अंडरवाटर डिवाइसेस द्वारा कलेक्ट किए गए सोनार डेटा को तेजी से इंटरप्रेट करता है। P-8I की बात करें तो ये 41,000 फुट के एल्टीट्यूड पर ऑपरेट कर सकता है और इसको लो एल्टीट्यूड, ह्यूमैनिटेरियन और सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस में भी यूज़ किया जा सकता है। इसका ट्रांसिट टाइम भी बहुत कम है, जिससे सबमरीन्स, सरफेस वेसल्स और सर्च एंड रेस्क्यू सर्वाइवर्स की सर्चिंग के टाइम एरिया ऑफ प्रोबेबिलिटी का साइज कम हो जाता है। US पेंटागन की अक्टूबर 2023 की एक रिपोर्ट में ये कहा गया कि जिस हिसाब से चाइना अपनी नेवल पावर को इनक्रीज कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग चाइना की सबमरीन फ्लीट 2025 तक 65 और 2035 तक 80 होने के पूरे पूरे चांसेस हैं।
उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना ना सिर्फ अपनी आर्सेनल में ज़्यादा से ज़्यादा कन्वेंशनल सबमरीन्स ऐड कर रहा है, बल्कि वो सबमरीन्स मोर सोफिस्टिकेटेड और टेक्निकली एडवांस्ड भी हैं। अब इंडिया अमेरिका की सो नियर येट सो फार वाली बात है कि निकट हैं पर फिर भी दूर। निकट का मतलब यहाँ पर डिस्टेंस नहीं, डिप्लोमेटिक रिलेशन से है, और दूर इसलिए क्योंकि इंडिया के रशिया के साथ भी पैक टाइज हैं, जिसकी वजह से यूएस और इंडिया में 100% ट्रस्ट होना एक तरह से करीब करीब इम्पॉसिबल होगा। बट इंडिया की इंडियन ओशन रीजन में इम्पॉर्टेंस और नेवल डोमिनेंस कैपेबिलिटी की वजह से यूएसए इंडिया के साथ रिलेशंस को मजबूत करने की कोशिश में है, ताकि चाइना की बढ़ती रीजनल डोमिनेंस को रोका जा सके, जो कि यूएसए के लिए भी एक खतरा हो सकती है।